हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, MySQL की सीरीज के अंदर इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पर लाइक ऑपरेटर। सो गाइस, लाइक ऑपरेटर करता क्या है? सो गाइस, लाइक ऑपरेटर का मेनली जो यूज़ है वो क्या है, यहाँ पर डेटा को सर्च करने के काम आता है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए, जैसे अगर हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट, जिसके अंदर आप कपड़ों का या इलेक्ट्रॉनिक शॉप की कोई वेबसाइट होती है, सो गाइस अगर आप उसके अंदर सर्च करते हैं, जैसे मोबाइल सर्च करते हैं, तो गाइस वो क्या करता है, सारे मोबाइल्स को मेरे पास लेकर आ जाता है। अगर आप वहाँ सर्च करते हैं वॉशिंग मशीन या AC, तो गाइस वो उनको यहाँ पर सर्च करके ला देता है। सो गाइस, इसी के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लाइक ऑपरेटर का। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार यहाँ पर देखना पड़ सकता है, क्योंकि गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा लेंथी टॉपिक है। बट गाइज, मैं आपको ये भी बता दूँ कि गाइज इससे आसान तरीके से मैंने शायद ही कभी बताया होगा, और शायद ही कभी कोई और वीडियो में आपको मिलेगा। मैं इतना सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, जैसा मैं होप कर रहा हूँ कि आपको इसी एक ही वीडियो में आपको समझ आ जाए, आपको वीडियो दोबारा देखने की यहाँ पर ज़रूरत ही ना पड़े। सो गाइज, चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर लाइक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं और हमारे डेटा को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ उसकी क्वेरी, फिर मैं एक आपको वेबसाइट पर लेकर चलूँगा जिसके अंदर हमारे पास एक चार्ट है। उस चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितने तरीके से हम उस लाइक ऑपरेटर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहली तो आपको क्वेरी देखनी है, जो कि आपकी काफ़ी सिंपल क्वेरी। हमें यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, EMP का एफ नेम मैं यहाँ पर चाहता हूँ, उस बंदे का एफ नेम लेकर आ जाओ। कौन सी टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से। जहाँ पर अब मुझे यहाँ पर वेयर क्लॉज की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, वेयर क्लॉज हमें यहाँ पर लगाना है। देन उसके बाद हमें वो कॉलम लगाना है जिसके अंदर से हमें डेटा को सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वेयर एफ नेम, EMP का एफ नेम। तो गाइज, यहाँ पर मैं स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। तो गाइज, ये थी हमारी क्वेरी, सिलेक्ट EMP नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय का एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम। अब आएगा यहाँ पर लाइक ऑपरेटर, तो आपको सिंपली लिखना लाइक। तो गाइज, देखा आपने कितनी ईजी और सिंपल क्वेरी थी। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या करा, वेयर क्लॉज के बाद एक कॉलम लगा के मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस लाइक ऑपरेटर का यूज़ कर लिया। अब गाइज, वेयर क्लॉज मैं ऑलरेडी आपको पुराने ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ। तो गाइज, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज, मैंने यहाँ पर करी एक क्वेरी का यूज़ और लास्ट में लिखा मैंने यहाँ पर लाइक ऑपरेटर। अब गाइज, इसके बाद लिखना आपको सिंगल कोट्स देन सेमीकोलन। तो गाइज, ये थी हमारी क्वेरी, कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइज, इस सिंगल कोट्स के अंदर ही हमें वहाँ पर वो चार्ट के जो मैं आपको चार्ट की बात कर रहा था कि किस तरीके से हम यहाँ पर लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो वही वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो गाइस, एक तो मैं करके दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल, मैं उसके बाद ले चलूँगा आपको किस पे, उस चार्ट के ऊपर। सो गाइस, अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, इस लाइक के सिंगल कोट्स के अंदर हमें वो वैल्यू डालनी है जिसको मुझे यहाँ पर सर्च करना है। तो गाइस, अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ ए, तो गाइस मैंने इसके अंदर लिखा ए, मुझे यहाँ पर उस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम निकाल कर दो एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पर उसका एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम क्या मिलता जुलता हो उससे, ए से। अब गाइस, ए के बाद आपको यहाँ पर लाइक ऑपरेटर के लिए परसेंटेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस, ये कर क्या रहा है यहाँ पर, तो गाइस ये बेसिकली सर्च करेगा इस पूरे एम्प्लॉय के एफ नेम को, और ये क्या करेगा, जिसका नाम यहाँ से ए से शुरू होगा वो मुझे यहाँ पर सर्च करके दे देगा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, अगर मैं मोबाइल लिखता हूँ तो गाइस मोबाइल आ जाते हैं, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है वो मुझे यहाँ पर ये निकाल कर दे दे। तो गाइस, ए से यहाँ पर किसका नाम शुरू हो रहा है, एक तो अल्फ्रेड और एक आ रहा है यहाँ पर एथीना। सो गाइस, अभी चलते हैं इस क्वेरी को रन करते, मैं आपको बताऊँगा कि परसेंटेज यहाँ पर कर क्या रहा है। तो गाइस, अभी पहले हम क्वेरी को देख लेते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ पर करता हूँ एंटर हिट। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास अल्फ्रेड और एथीना आ चुका है। तो गाइज, ये तो आपको समझ आ चुका होगा कि सिंगल कोट्स के अंदर डालना है आपको ए, जिस लेटर से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। अब गाइज, ये क्या करता है, यहाँ पर जो परसेंटेज का साइन है वो यहाँ पर क्या करता है, 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स को। तो गाइज, ये क्या कर रहा है बेसिकली, अगर आपको यहाँ पर ए से नाम चाहिए, उसके बाद चाहे उसके मैच कर रही हो वैल्यू, या उससे सिर्फ एक कैरेक्टर मैच कर रहा हो, या उससे मल्टीपल कैरेक्टर मैच कर रहा हो, तो ये उसको यहाँ पर लाकर दे देगा। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर ए चाहिए, अब इस ए के बाद चाहे वो TH हो या LF हो, वो कुछ भी हो, इस ऑपरेटर से क्या होगा,
चाहे उसके आगे जीरो हो, कोई भी लेटर ना हो, या उसके बाद एक लेटर हो जैसे कि टी, या उसके पास मल्टीपल लेटर हो, तो मल्टीपल लेटर ये आ गया टी एच ई एन ए, इसको यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ क्या करेगा, पहला लेटर सर्च करेगा ए और उसके बाद जो भी उसके पास लेटर आएंगे वो ये मुझे निकाल के दे देगा। तो गाइस देखा आपने, इसने क्या करा, मुझे अथीना निकाल के दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सबसे पहले डाला था कि भाई उसको ए मिलना चाहिए, उसके बाद चाहे यहाँ पर इसको जीरो की वैल्यू मिले, चाहे वन सिंगल कैरेक्टर मिले, या उसको मल्टीपल कैरेक्टर मिल जाए टी एच ई एन ए जैसे। तो गाइज इसी क्वेरी को मैं यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ, और अब की बार हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें से कोई दूसरा नेम ले लेंगे। तो गाइज दूसरा नेम मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, के नाम से ले लेता हूँ। तो गाइज ये क्वेरी लिखी सेम, मुझे बस उसका के लेटर मिलना चाहिए, बाद में चाहे उसको जीरो वन या मल्टीपल जितने भी कैरेक्टर मिले। तो गाइज देखा आपने, किम केविन मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ चुकी है। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो गाइज अब हम चलते हैं इस पर इसकी टेबल के अकॉर्डिंग। तो गाइज इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कुछ तरीके हैं इसको यूज करने के। तो गाइज क्वेरी आपको यहाँ पर समझ आ चुकी है किस तरीके से हम लिखते हैं, वेयर क्लॉज का यूज करके उस कॉलम का नेम, देन लाइक ऑपरेटर, देन उसके अंदर हमें परसेंटेज का साइन और उस कैरेक्टर का नेम लिखना है जिसको हमें यहाँ पर सर्च करना है। तो गाइज एक मैं आपको करके दिखा चुका हूँ कि हमें यहाँ पर उस सिंगल कैरेक्टर लिख के उसके बाद के चाहे जीरो वन या मल्टीपल कैरेक्टर्स हो तो हमें यहाँ पर ये यूज करना है। तो गाइज ये करेगा क्या, फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विथ ए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू हमारी ए से स्टार्ट हो रही है, या मैंने यहाँ पर यूज करा था के, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो ये वो वैल्यू मुझे यहाँ पर सर्च करके दे देगा उसके बाद के चाहे यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हो। अब गाइज दूसरा तरीका क्या है इसका, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इस परसेंटेज को इस बार पहले लिया है और बाद में हमने यहाँ पर कैरेक्टर को सर्च करा। तो गाइज ये क्या करेगा, फाइंड एनी वैल्यूज दैट एंड विद ए। तो गाइज ये क्या कर रहा था, जो स्टार्ट हो रही थी वैल्यू ए से, और ये क्या कर रहा है, जिसकी वैल्यू ए पे खत्म हो रही है वो वैल्यू को सिर्फ ये सर्च करेगा, उससे पहले चाहे इसको कुछ भी मिले, चाहे जीरो कैरेक्टर मिले, चाहे वन मिले, चाहे इसको मल्टीपल मिले। तो ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि लास्ट में यहाँ पर वैल्यू देख लेते किसकी ए है, एक तो है बेला की और एक है यहाँ पर अथीना की। तो अथीना के तो शुरू में भी था, तो खैर वो तो आना ही था ए के अंदर, बट अब मुझे यहाँ पर चाहिए लास्ट में ए। तो लास्ट में ए है बेला के और यहाँ पर एथीना के, उससे पहले चाहे उसको वन कैरेक्टर मिले, चाहे जीरो मिले, चाहे उसको मल्टीपल कैरेक्टर उसके पीछे मिले, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ एंड का देखना है यहाँ पर ए मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसका उल्टा करूँगा, सिर्फ परसेंटेज को बाद में ला के मैं यहाँ पर कर देता हूँ ए, एंटर हिट करता हूँ। तो गाइज देखा आपने, बेला और एथीना यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब गाइज अगर मैं के साथ करता तो के लिए तो लास्ट में कोई है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इसको के लिए कुछ मिलता है क्या। तो गाइज इसको यहाँ पर जीरो एम्प्टी सेट, उसको कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर। अब मैं इस पर लास्ट में लगा लेता हूँ वाई के लिए, वाई के लिए मुझे यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, दो, टोनी और वेंडी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर किसी का भी उसको लास्ट में वाई मिलता है तो ये उसको निकाल कर दे देगा टोनी और वेंडी को। तो गाइज हमारी टेबल काफ़ी ऊपर हो चुकी है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से हम लिखेंगे क्वेरी। अब आपने आई होप आपको ये दोनों समझ आ चुके होंगे, एक है स्टार्ट करने का और एक है एंड करने का। अब गाइज इसमें क्या कर रहा है यहाँ पर, वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटेज और परसेंटेज। तो गाइज ये क्या करेगा, जिसके अंदर उसको ओ आर की वैल्यू मिल रही है, चाहे वो उसको पहले कुछ भी मिले या उसके बाद में कुछ भी मिले, उस कंप्लीट कैरेक्टर, उस कंप्लीट वर्ड के अंदर आपको ओ आर यहाँ पर मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये विल्सन लिखा हुआ है, इस विल्सन के अंदर उसको यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, एस और ओ वहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ओ आर, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एग्जाम्पल एस और ओ। अगर जिस भी वर्ड के अंदर एस और ओ होगा वो ये मुझे फाइंड करके दे देगा, और दोनों साइड इसके क्या है, परसेंटेज है, पहले भी और आखिरी में भी। तो ये क्या लेना देना है इसका, चाहे वो जीरो हो, चाहे वन हो, चाहे मल्टीपल कैरेक्टर हो पहले उससे, चाहे उसके मल्टीपल कैरेक्टर हो बाद में, चाहे जीरो हो चाहे वन कैरेक्टर हो उसके, बट उसको क्या देखना है, एस और ओ। तो गाइस एस और ओ यहाँ पर उसको झाझा मिलेगा वो ये मुझे फाइंड करके दिखा देगा। तो मैं यहाँ पर इस क्वेरी को लिखता हूँ, परसेंटेज पहले लिखता है और यहाँ पर लिखता हूँ एस ओ, देन उसके बाद उसको जो भी मिले, मुझे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, बस उस वर्ड के अंदर एस और ओ होना चाहिए। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं एस और ओ यहाँ पर उसको नहीं मिला है। तो गाइज यहाँ पर इसको नहीं मिला क्योंकि मैंने यहाँ पर तो ई एम पी का लास्ट नेम लिया था, बट मैंने यहाँ पर लिया ई एम पी का फर्स्ट नेम। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ई एम पी का एल नेम, मैं ऊपर से नेम देख लेता हूँ स्पेलिंग, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ई एम पी का एल नेम।
एंटर इट करता हूँ तो गाइज यहाँ पर अननोन कॉलम आ चुका है फिर से। मैं दोबारा देख लेता हूँ इसकी स्पेलिंग EMPL नेम। तो गाइज मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा EMP का L नेम, यहाँ पर भी मुझे स्पेलिंग देखनी पड़ेगी EMP का L नेम। तो गाइज आपने देखा विल्सन मेरे पास आ चुका है, विल्सन के अंदर ही यहाँ पर S और O यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कुछ एक ऐसा वर्ड देख लेते हैं जो किसी किसी के अंदर आ रखा हो पहले से। तो यहाँ पर क्या आ रखा है, AR, जार्विस के अंदर AR आ रखा है, स्टार्क के अंदर AR आ रखा है, और यहाँ पर और किसी के अंदर तो नहीं आ रहा, तो हम इन दोनों को देख लेते हैं। अगर इन AMP का लास्ट नेम के अंदर अगर कहीं भी, दोबारा से एक वर्ड देख लेता हूँ मैं, भूलिएगा AR आ रहा है तो वो मुझे निकाल कर दे दे। तो गाइज देखा आपने स्टार्क और जार्विस इस पे निकाल कर दे दिया, पीछे और आगे से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए चाहे वो हो या ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज का यूज करा हुआ है। तो गाइज आई होप आपको ये तीसरा भी समझ आ चुका होगा। अब गाइज ये क्या कर रहा है, अंडरस्कोर आर देन परसेंटेज। तो गाइज ये अंडरस्कोर का अभी यहां पर एक नया रोल है। तो गाइज ये अंडरस्कोर यहां पर क्या कर रहा है, अभी तक तो हमने परसेंटेज लगाया था तो उसके आगे वो मल्टीपल कैरेक्टर ले रहा था, बट अंडरस्कोर से क्या होगा, ये सिर्फ उसके पहले का एक लेटर यहां पर ये निकाल के देगा, वो चाहे कुछ भी हो, बट हमें यहां पर वैल्यूज क्या करनी है फाइंड, जहां सेकंड पोजीशन पे क्या हो आर, सेकंड पोजीशन पे क्या हो आर, उसके बाद उसको यहां पर कोई लेना देना नहीं है क्योंकि परसेंटेज है। तो गाइस सेकंड पोजीशन पे आर की जगह हम यहां पर क्या ले लेते हैं, आई। तो मैंने यहां पर लिया आई को, तो गाइस आई हमारा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है यहां पर काफी बार, चार बार आ रहा है, और उससे पहले यहां पर एक कैरेक्टर होना ही चाहिए। तो गाइस सब में एक कैरेक्टर भी आ रहा है यहां पर, तो ये चार नेम मुझे यहां पर लग रहा है निकाल के देगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं यहां पर अंडरस्कोर, और मैं यहां पर लगा लेता हूं आई। तो गाइज मैं यहां पर करता हूं अंडरस्कोर आई, एंटर इट करता हूं। तो गाइज देखा आपने आई से पहले एक वर्ड यहां पर जरूरी था, अंडरस्कोर का मतलब है यहां पर आपको एक सिंगल कैरेक्टर आपको यहां पर चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद का क्या होगा आई, उसके बाद के हमेशा देख रहे हो आप आई है सबका, तो एक सिंगल ये पहले लेगा और उसके बाद यहां पर आई। अब इससे क्या हो रहा है, इसके बाद चाहे उसको मिले चाहे जीरो मिले चाहे एक कैरेक्टर मिले चाहे मल्टीपल कैरेक्टर मिले, उसको कोई लेना देना नहीं यहां पर ये दिखाने लग जाएगा, बट उससे पहले यहां पर इसको एक कैरेक्टर होना ही होना चाहिए आई से पहले। तो गाइस देखा आपने कितना इजी था, हमने इसको फाइंड करा। तो अब हम यहां पर क्या कर लेते हैं, कुछ एक वर्ड को देख लेते हैं। तो यहां पर जो वर्ड है मुझे यहां पर चाहिए टी, तो गाइस अब मैं इस टी को सर्च करता हूं। अगर मैं यहाँ पर टी को सर्च करता हूँ तो गाइज ये मेरे पास कोई आउटपुट नहीं देगा, मैं बताता हूँ क्यों। पहले इसको एंटर हिट कर लेते हैं। तो गाइज अभी इसने आउटपुट दे दिया है, शायद मैंने यहाँ पर ऊपर देखा नहीं कि स्टार्क के बाद टी के बाद इसने क्या है यहाँ पर एस, जो कि इसको एग्जिस्ट कर रही है। टी आ रहा हमारा सेकंड पोजीशन पर बट उसको एक वर्ड मिल रहा है एस, तो ये बिल्कुल करेगा। तो गाइज कोई दूसरा वर्ड देख लेते हैं यहाँ पर जिसमें सेकंड पोजीशन से पहले कुछ आ ना रहा हो। तो गाइज ये जे आ रहा है यहाँ पर, और जे हमारा सेकंड पोजीशन पर भी नहीं है और जे से पहले भी हमारे पास कुछ यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जे के लिए क्या करता है, तो जे के लिए वैल्यू निकाल के देगा या नहीं। तो गाइज इसने क्या लिखा, एम्प्टी सेट। तो इसको जे तो मिल रहा है बट जे से पहले यहाँ पर कुछ एक वर्ड नहीं मिल रहा है, जो कि यहाँ पर कंपलसरी एक सिंगल कैरेक्टर होना ही चाहिए, अंडरस्कोर का मतलब एक सिंगल कैरेक्टर होना ही चाहिए, बट जार्विस का जे से पहले तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो गाइज ये क्या करेगा यहाँ पर, उसको मुझे यहाँ पर नहीं निकाल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेकंड पोजीशन पे है आर, तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे उसको मिलना चाहिए, और अंडरस्कोर से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक सिंगल कैरेक्टर तो उसको मिलना ही मिलना चाहिए। अब इसी का ही उल्टा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पर इसने वर्ड लिख दिया, देन उसके बाद अंडरस्कोर, मतलब कि उसके बाद उसको एक वर्ड यहाँ पर मिलना ही चाहिए, और बाकी उसके पास चाहे उसको जीरो वर्ड मिले चाहे सिंगल कैरेक्टर मिले चाहे मल्टीपल कैरेक्टर मिले, उसको कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर क्या होना चाहिए, दो लेंथ तो इसकी होनी ही चाहिए, एक जो उसका वर्ड होगा और एक यहाँ पर अंडरस्कोर होगा। तो गाइज देख लेते हैं कि एक इस किस में है सबसे पहले। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ए आ रहा है यहाँ पर अडोल्फ में, तो गाइज ये मुझे लग रहा है अडोल्फ को निकाल के देगा, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसका उल्टा, ए देन अंडरस्कोर, एंटर एड करते हैं। तो गाइज देखा आपने अडोल्फ इसने निकाल के दिए, क्योंकि इसके बाद कंपलसरी मैंने लगा दिया कि भाई इस साइड से एक शब्द तो होना ही चाहिए। अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, परसेंटेज, तो उसके बाकी का भी यहाँ पर देखेगा, उसके बाद का तो वो चलेगा ही चलेगा। तो गाइज अभी के लिए क्या निकाल के दिया इसने, अडोल्फ को। चलते गाइज नेक्स्ट, आई होप आपको ये चौथा भी यहाँ पर, पांचवा भी यहाँ पर समझ आ चुका होगा। अब गाइज नेक्स्ट
इसके अंदर देखते हैं हम क्या कर रहा है। तो फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए, जो कि बिल्कुल सही है कि ए से स्टार्ट होना चाहिए। बट आप यहां पर देख सकते हैं डबल अंडरस्कोर है, ऊपर था सिंगल, यहां पर है डबल। तो डबल का मतलब क्या होगा, अब एटलीस्ट यहां पर इसके बाद के दो शब्द तो होने ही चाहिए, दो सिंगल कैरेक्टर्स को मिलने चाहिए। ऊपर चाहिए इसका इसको एक, यहां पर अब मिलना चाहिए उसको दो कैरेक्टर, तो कुल मिला के हुई तीन कैरेक्टर। उसके बाद चाहे इसको जीरो मिले चाहे वन मिले, कोई इसको लेना देना नहीं है। तो गाइज अब हम देखते हैं तीन कैरेक्टर के लिए क्या करेगा यहाँ पर। तो तीन कैरेक्टर के लिए पहला वर्ड मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, W के लिए मैं इस बार ले लेता हूँ। तो W के लिए मुझे क्या क्या निकाल के देता है तुम देख लेते, W एंटर हिट करता हूँ तो विल्सन निकाल के देगा, और मुझे यहाँ पर लगाना था डबल अंडरस्कोर। तो अब ये चेक करेगा कि भाई उसके बाद दो शब्द हैं भी या नहीं। तो W इसको मिल रहा है, उसके बाद इसने डबल अंडरस्कोर से क्या करा, दो शब्द चेक करे, मतलब दो इसने सिंगल कैरेक्टर चेक करे कि भाई आगे है भी या नहीं। तो अब मैं इसको थोड़ा बदल के दिखाता हूं, मैं यहां पर क्या करता हूं ओ निकाल के दिखाता हूं। तो गाइज विल्सन के अंदर ओ तो आ रहा है, बट इसके बाद क्या है यहां पर, दो शब्द मैंने तो यहां पर सेट करे, बट इसके बाद क्या है यहां पर, एक ही शब्द है। तो गाइज देखते हैं यहां पर ओ कहां कहां था पहले। तो गाइज ओ यहां पर क्या आ रहा है, अडोल्फ के बाद यहां पर दो शब्द आ रहे हैं, विल्सन नहीं आएगा क्योंकि विल्सन के बाद तो एक ही शब्द आ रहा है एन, बट यहां पर क्या आ रहा है, अडोल्फ के ओ देन दो शब्द, देन यहां पर आ रहा ओ के बाद टी एच। तो गाइज ये दो वैल्यू को मुझे लग रहा है फाइंड करके देगा, एंटर हिट करता हूं। तो गाइज एम्प्टी सेट इसने मुझे निकाल के दिया ओ के लिए। तो गाइज देख लेते हैं कि क्या इसमें दिक्कत है। तो गाइज ये ओ के बाद ये दो शब्द दे रहा है, उसके बाद हमने यहां पर क्या लगाया, अंडर स्कोर। गाइज एक बार फिर से इसको करके देख लेते हैं। तो गाइज अभी भी मुझे यहाँ पर एम्प्टी सेट दे रहा है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, इसको कैपिटल लेटर में करके देख लेता हूँ। तो गाइज अभी भी यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ओ के बाद मुझे ये दे ही नहीं रहा है दो शब्द यहाँ पर। तो गाइज देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ओ के बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर, तो गाइज अभी भी मुझे यहाँ पर ही दे रहा है। तो गाइज मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर इसको ओ की जगह जीरो लिख रहा हूँ, अब मैंने करा इसको। तो गाइज अभी भी एम्प्टी सेट है, तो गाइज देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो गाइज ये क्या करा, फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एट एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर्स इन लेंथ। तो गाइज थ्री कैरेक्टर्स तो वैसे हमारे पास हैं यहाँ पर, मैं दोबारा से इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार इस टेबल को प्रिंट कर लेता हूँ। तो गाइज अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, अब एक क्वेरी लिखता हूँ मैं इसकी, जहाँ पर लाइक ऑपरेटर के अंदर मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ ओ को, मैंने यहाँ पर लिखा ओ, देन उसके बाद डबल, अब हम लिखेंगे परसेंटेज। तो गाइज ये अभी भी एम्प्टी सेट दे रहा है। तो गाइज इसको मैं अगर कर दूँ ज़ीरो, तो गाइज ये ज़ीरो तो है ही नहीं इसका। तो गाइज हम क्या करते हैं, कोई दूसरा एक वर्ड ले लेते हैं और ए में यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ। तो क्या कर रहा है यहाँ पर, दो शब्द तो ले रहा है, ए के बाद यहाँ पर एटलीस्ट दो शब्द ले रहा है, और उसके बाद का चाहे यहाँ पर हो या ना हो। अब हम यहां पर क्या डाल के देखते हैं एक बार, हिल, हिल के लिए मैं यहां पर लेता हूं आई। तो गाइज आई अभी भी यहां पर एम्प्टी है। तो गाइज इसमें क्या कर रहा है, यहां पर तीन, एटलीस्ट इसको तीन चाहिए, मैं यहां पर दो के लिए लगा था, बट इसको एटलीस्ट यहां पर तीन चाहिए, मुझे समझ आ चुका है यहां पर तीन चाहिए एटलीस्ट। तो अगर यहां पर ये दो लगा रहा है और मैं यहां पर जो यहां पर एटलीस्ट तीन चाहिए, तो गाइज अगर मैं यहां पर ओ के लिए भी करता हूं, तो गाइज इसको तो यहां पर ये तिमोथी को उठाना चाहिए था। तो गाइज इसमें यहाँ पर अभी के लिए एक एरर आ रहा है कि इसमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा गाइज मैं यहाँ पर ई एम पी का एफ नेम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर करना है ई एम पी का लास्ट नेम, मैं यहाँ पर करूँगा ई एम पी का लास्ट नेम, अब एंटर हिट करता हूँ। तो गाइज अभी भी मेरे पास ये दिक्कत दे रहा है, लाइक के बाद अगर मैं यहाँ पर एक अंडरस्कोर हटा दूँ तो अभी भी मुझे यहाँ पर दे रहा है। तो गाइज ये ओ मुझे लग रहा है यहाँ पर जब भी डेटा एंटर कराओ, तो गाइज ये कैपिटल में चला गया इस वजह से, या मैं अब ले लेता हूँ एस, एक बार एस को भी लेके देख लेते हैं। गाइज ये ए के लिए वर्क कर रहा है, एस के लिए वर्क कर रहा है, बट ये ओ के लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइज उसको देखना पड़ेगा कि क्या सीन है इसमें। तो गाइज यहाँ पर ये स्टार्क के बाद ये तीन शब्द ले रहा है, दो शब्द ले रहा है हमारे पास, और उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो गाइज ये ओ के लिए क्यों नहीं ले रहा मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, बट ये बाकी सारा तो ले रहा है कैरेक्टर्स। अब गाइज हम लास्ट वाले पे आते हैं, इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, फर्स्ट दे सकते हैं और लास्ट यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करके एंड भी करा सकते हैं। तो गाइज आपने ऊपर वाले में देखा था कि स्टार्ट हो रही थी और एंड भी हो रही थी, अब इन दोनों को इसने एक ही में दे दिया कि जो स्टार्ट तो हो ए से और वो एंड हो यहाँ पर जीरो से या ओ से। तो
तो गाइज हम यहाँ पर लिख लेते हैं एस से जो स्टार्ट हो और ख़त्म किस पे हो, एच पे। एंटर हिट करता हूँ तो गाइज ये एक निकल के आ रहा स्मिथ, जो कि एस से स्टार्ट होकर यहाँ पर एच में आ रही है। तो गाइज कुछ और भी हम ले सकते हैं यहाँ पर जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो और एन पे ख़त्म हो, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पर डब्ल्यू से एन पे। तो गाइज विल्सन मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो आई होप गाइज आपको ये चार्ट समझ में आ चुका होगा और हमने किस तरीके से यहाँ पर इन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके हमने यहाँ पर सर्च लगाया। इस पे जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या कर रहा था, यहाँ पर ओ के टाइम पे यहाँ पर एरर कर रहा था। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस चल रहा था हमारे पास, देन ए भी चल रहा था, पता नहीं ये ओ को यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा था, उसको मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर सर्चिंग का यूज़ करा लाइक ऑपरेटर का। तो गाइज इस वाली वेबसाइट का मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है तो गाइज आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।